हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। जिस स्टॉक को आप एनालाइज करने जा रहे हैं, इस स्टॉक का नाम है आइसर मोटर्स लिमिटेड। इस स्टॉक की गई बात करें कंपनी इनकल को अपने क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस की, अर्निंग्स में हमें 5% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली थी और यहाँ पर रेवेन्यू में हमें गिरावट दर्ज करती हुई कंपनी देखी थी। लेकिन इसके साथ स्टॉक में गई 4700 रुपीज के लेवल से ओपनिंग देखने को मिली, जिसके बाद स्टॉक में हमें 4970 रुपीज तक के लेवल ऊपर में देखने को मिले थे, जिसके चलते 6% तक की रैली हमें देखने को मिली थी। और इसके साथ स्टॉक के वॉल्यूम में गैस में भारी भरकम उछाल देखने को मिली थी। 2.8 मिलियन से ज्यादा वॉल्यूम स्टॉक में जुड़ता हुआ दिखाई दिया था गैस, जो कि पिछले 5 मंथ में कभी भी देखने को नहीं मिले थे। अब यहाँ पर देखो, स्टॉक जिस रेंज के बीच में कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है गैस, 4500 रुपीज के लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा और ऊपर में गैस 5100 रुपीज के लेवल पर रेसिस्टर फेस करता हुआ दिखाई दे रहा। अगर स्टॉक में इस रिजल्ट के चलते 102 दिनों के बीच में हमें इसके प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, तो ऊपर में गैस हमें बहुत ही शानदार मूव देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर स्टॉक में इसका सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है, तो गैस इसके बाद हमें भारी गिरावट देखने को मिलने वाली है, जिसको आज के वीडियो में एनालाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करे स्टॉक के चार्ट को थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। इसमें हमारे लेवल्स कौन से रहेंगे, कहाँ पर हमें बाइंग ऑपर्चुनिटी मिलती है। तो गैस वीडियो शुरू करने पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। स्टॉक के चार्ट को गाइस 1 डे के टाइम फ्रेम पर एनालाइज करें। अब यहाँ पर सबसे पहले अपने डाउनसाइड के लेवल्स को देख लेते हैं गाइस। अगर स्टॉक में इसका सपोर्ट लेवल जो कि 4500 रुपीज का लेवल है, इस रेंज का अगर ब्रेक डाउन देखने को मिल जाता है, तो गाइस इसके बाद जो हमें डाउनसाइड में सपोर्ट लेवल देखने को मिलने वाले हैं गाइस, फर्स्ट सपोर्ट लेवल जो रहेगा हमारे लिए 4250 रुपीज का लेवल रहेगा और सेकंड सपोर्ट लेवल स्टॉक में देखने को मिलेगा गाइस हमें 4000 रुपीज के लेवल पर देखने को मिलेगा। और यह दोनों लेवल से गाइस हमारे लिए रिवर्सल जोन है, इन दोनों लेवल से हमें फिर से रिकवरी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अब ऊपर के लिए अपने स्टॉक में टारगेट देख लेते हैं गाइस। करंट लेवल से देखकर स्टॉक में इसके प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल तक हमें 4000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉक अगर सीरीज को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है आने वाले कुछ दिनों के बीच में, तो इसके बाद इस हमें जो लेवल देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के प्रीवियस सपोर्ट लेवल से लेकर जिसके रेसिस्टेंस लेवल तक प्राइस रेंज टूल की मदद से देखेंगे इस हमें 14% तक के टारगेट इस ब्रेकआउट के बाद देखने को मिल सकते हैं। और जिसको स्टॉक पे गाइस इस हाई के अपर लॉन्ग पोजीशन टूल की मदद से अपने 14% तक के टारगेट देखा, तो गाइस हमें 5850 रुपीज तक के लेवल इस रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट के बाद देखने को मिल सकते हैं। और जिसको स्टॉक के करंट लेवल से लेकर देखें, यहाँ पर गाइस ओवरऑल हमें 20% तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले मीडियम टर्म में। और यहाँ पर स्टॉक में अपने स्टॉप लॉस की बात करें, इसमें जो गाइस हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉक का सपोर्ट लेवल रहेगा जो कि 4500 रुपीज का लेवल है और यह देखेंगे 7.5% के करीब बैठ रहा है। और यहाँ पर हमारे टारगेट के हिसाब से स्टॉप लॉस काफी छोटा सा बैठ रहा है। इस प्रीवियस हाई के ब्रेकआउट के बाद जिस लेवल पर हमें रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, छोटा सा 4400 रुपीज के लेवल पर देखने को मिलेगा, जिसके बाद स्टॉक में हमें 4850 रुपीज तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर स्टॉक में इसका सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है, तो गाइस एनालिसिस के हिसाब से हमें डाउनसाइड में लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस स्टॉक में छोटा सा ऐसे लगा कर 7.5% का स्टॉक में आने वाले दिनों में 4% से लेकर ओपन में 20% तक के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन बनाई सकती है। इसमें जो गाइस हमारी एनालिसिस है, इस ब्रेकआउट के बाद हमें 1 से 2 मंथ के बीच में यह लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आज के वीडियो में गाइस बस इतना ही। आई होप गाइस आज की जो हमारी एनालिसिस थी हेल्पफुल रही होगी। गाइस वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।